हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट थ्री है ये। ठीक है, हमने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो एक आता है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में ये पार्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड पैरामीटर्स में आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका बॉन्ड ऑर्डर है, और इसको हिंदी में बोलते हैं बंद कोटि। इसमें हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हम बताएं क्वेश्चन किस टाइप पूछा जाता है। पहले भी जानिए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। इसका मतलब ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। इसका मतलब हिंदी हम लोग बोल सकते हैं दो परमाणुओं के बीच की जो नंबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। मान लीजिए सपोज यहाँ पर लिखा हुआ आपका O2, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर आता है तो O2 कैसे बॉन्ड बनाता है, O डबल बॉन्ड O, तो इसके बीच बॉन्ड कितना है, दो एटम है, और बॉन्ड बीच नंबर कितना है, टू, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा टू। मान लीजिए सपोज लिखा हुआ N2, तो N होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके बीच कितना नंबर बॉन्ड है, थ्री, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा अब कितना हो जाएगा, थ्री। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ एच टू, तो यहाँ पर एच सिंगल बॉन्ड एच, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा एच कल टू वन। Cl2 है तो Cl इक्वल टू Cl, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू आ जाएगा आपका वन। मतलब दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, जो नंबर है बॉन्ड का वो कहलाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। कई बार ऐसा होता है कि एटम की संख्या वहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया जाता है आपको मैथेन है, मान लो सी एच फोर, ठीक ये सी एच फोर है, तो यहाँ पर एक कार्बन फोर हाइड्रोजन एटम है। लेकिन अब आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस तरीके से एच एच एच, ये मेथेन है। लेकिन इस देखेंगे कौन कौन से एटम है इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन, तो दो के बीच बॉन्ड कितना है, वन वन वन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इक्वल टू वन। मान लीजिए सपोज पूछे अमोनियम कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन तीन बॉन्ड, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा थ्री। एच टू का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वन। मान ली पूछता है सीओ टू का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पर टू टाइप के एटम है। अब इसमें सेंटर एटम क्या है, कार्बन, तो बना सकते हैं डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसके दो एटम बीच कितना बॉन्ड है, टू, तो सीओ टू में जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा टू। लेकिन कन्फ्यूजन बच्चों कहां पर होता है, कन्फ्यूजन ये होता है यहाँ पर जो है कई बार केस उल्टे दे देते हैं। कहीं पर एक डबल बॉन्ड है, मान ली सपोज एक डबल बॉन्ड बन रहा है, एक क्वाड्रेट बन रहा है, या एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब बॉन्ड नंबर और बॉन्ड इक्वल होते हैं, या तो वन वन हो, या तो टू टू हो, या थ्री थ्री हो। जैसे ओ टू के बीच में डबल बॉन्ड है, एन टू के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन सपोज कहीं पर ऐसा हो सकता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर वहां पर डिफरेंट आ रहा, मान ली यहाँ एन डबल बॉन्ड ओ है, इधर एक बना दिया निगेटिव या डॉट डॉट, ऐसे कैसे निकालेंगे, तो इसके किस दूसरा है ऐसे, मतलब आयन्स के केस में लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला दूसरा होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ठीक है, देखिएगा जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर इस तरीके देते हैं, एक आपका लिखा हुआ SO2, यहाँ लिखा हुआ SO3। अब देखिए यहाँ पर केस दूसरा होगा, इसमें क्या होगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं SO2 को, यहाँ पर एक लोन पेयर है। ठीक, SO3 में क्या होगा ये देखिएगा। अब आप ये देखिएगा इसके SO3 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ भी टू होगा, यहाँ भी टू होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, टू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ऐसे केस में दूसरा फॉर्मूला लगता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है आपको टू पार्ट में डिवाइड किया है बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, आप वो वाला ट्रिक लगाएंगे तो 100% कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आता है आपको है, ये आ जाएगा 6/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 SO2 में, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। इसका रीजन क्या है अभी हम आपको बताते हैं, इसका रीजन क्यों है, ऐसा बॉन्ड ऑर्डर क्यों होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, हालांकि एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दे रखी है वो डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ऐसे केस के लिए डेफिनेशन नहीं है। मतलब जो मल्टी आइटम होते हैं, अगर किसी में एटम बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे केस में इस हम डेफिनेशन से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, वो कोई दो एटम के लिए, टू टाइप के एटम के लिए, और ऐसे एटम जो आपस में इक्वल बॉन्ड बनाते हो, जैसे मान लीजिए ओ टू के बीच में दो बॉन्ड है, एन टू बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक ही टाइप का बॉन्ड है, तब इस हम लोग डेफिनेशन को लगा सकते हैं, अन्यथा ये डेफिनेशन हमारी गलत हो जाएगी। इसके लिए तरीका क्या होता है, हम लोग इस बॉन्ड ऑर्डर को टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 तक है तो उसका फॉर्मूला दूसरा होता है निकालने का, देखिए किस तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू 20। अगर 20 तक है तो आप इसको लगाएंगे,
20 से अधिक आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टेन मोर देन 20, तो इसका फॉर्मूला दूसरा है। यहां पर क्या करेंगे हम लोग ऐसे केस में, आप यहां पर 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूं आपको कैसे लिखेंगे इसको। 20 फिर यहां पर नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां आ जाएगा आपका 19, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 17, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर आ जाएगा आपका 16, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर 14, अब यहाँ पर छोड़कर ऊपर आएगा 13, यहाँ कितना हो जाएगा 12, 11, 10, यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा आपका 8, ठीक। कैसे किए, 20 से डिक्रीजिंग ऑर्डर 14 तक, फिर आपका 13 से लेकर के ऊपर, ठीक। अब इसका हाफ कितना हुआ 4, ये कैसे है फ्रैक्शनल, 7, 5, 3 और 1, यहाँ कितना बचा हुआ अभी 6, तो 6 का हुआ 2, ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। मोस्टली आप इसमें इतने पढ़ने हैं, इतने लोग केवल दो, ये दो सीरीज आप याद कर लीजिएगा, इधर से क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 19.9, 20.8, 18.10, 17.11, यहाँ पर 16.12, 15.13, इस तरीके लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा वो जीरो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन 20 है, 8 है, 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा जीरो। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है हम लोग यहां पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट का, मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। जिस मामले में एग्जाम्पल यहीं पर आपको बता देते हैं, मान ली सपोज लिखा हुआ हीलियम का 2, ठीक है, He2, तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कितना है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए आपके 4, तो 4 वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0, इसका मतलब हीलियम ने बॉन्ड नहीं बनाया, बस तुम ये, तो ये कैसा हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका आप क्या करिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट का मतलब होता है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाएंगे, 0.55 बढ़ाते जाइएगा, 0.5, तो यहां पर हो जाएगा इसका 0.5, यहां हो जाएगा 1, ठीक है, यहां हो जाएगा आपका 1.5, इसका हो जाएगा 2, ये इसका हो जाएगा 2 सीरीज, ये इसका, ठीक, इस तरीके से, और इसका हो जाएगा 2.5, और 14 वाले हो जाएगा 13 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अगर 11 इलेक्ट्रॉन जो है 15 और 13 है तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है, और 2 किसका होगा 16 बार है, ठीक। अब देखिए यहां से बहुत आसान है, ये आप दो सीरीज याद कर लीजिएगा, केवल यहां पर दो इसी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अभी बीएचयू पीसीएम ग्रुप में ऐसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे बॉन्ड ऑर्डर से, आप देखिए 19 के पेपर में, ठीक है, देखिए 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, फिर यहां से एक छोड़ करके ऊपर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन जो है, मान लिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो 7 दो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें 14, तो 14 वाले बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3 है। इसका मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सेम आते हैं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ऐसी है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो सेम हो, मान लिया यहाँ पर लिख दिया हमने CO, तो सीएम कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 8, यहाँ पर 6 इसका 8, तो 6 + 8 कितना हो गया 14, तो 14 + 14 इसका भी है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, तो आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाएगा सेम हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक। और एग्जाम्पल देखिए इसमें अभी आपको बताएंगे इसके एप्लीकेशन, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एप्लीकेशन से, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, या उसका फ्रैक्शनल है तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, ठीक है, देखिए और एग्जांपल देख लीजिएगा। मान ली सपोज मैंने अभी बताया था CH4, इसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकाला था 1, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अड़ोस पड़ोस में कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड 1, देखिए इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इसका नंबर 6 प्लस इसका नंबर 4 कितना हुआ 10, तो 10 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखिए मैंने बताया था आपको 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1, मैंने बताया था अमोनिया का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, क्योंकि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 7 + 3 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, दैट स्पेसिस इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम,
ऐसी जातियां, ऐसे आयंस मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। ठीक, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, मतलब इसके एप्लीकेशंस कितने हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, आप हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बंद कोटि के अनुप्रयोग, मतलब इसका यूज क्या है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर अगर अभी एक क्वेश्चन आया था बीएचयू में इस तरीके से दिया हुआ, तो वहां पर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइएगा। तो यहां पर लिखा हुआ O2 प्लस, एक है O2, एक है O2 माइनस, एक है O2 टू माइनस, इसका ऑर्डर पूछा हुआ था उन्होंने कि इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, पिछले बार आया था एग्रीकल्चर ग्रुप में आया था 2018 में बीएचयू में कि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो ऑर्डर ऑर्डर मतलब होता है इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे है देखिएगा ये 3 है 2.5 इस तरीके से। तो यहाँ पर आयंस दे देते हैं और आयंस में इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, आप बोलेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इससे कितना नंबर है, 8, 8 दूनी 16 15, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 15, 15 वाले बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 2.5, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, 16 वाले बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, 16 वाले बॉन्ड ऑर्डर होगा इसमें 2, 2 कहां पर है ये, तो 16 इलेक्ट्रॉन ये देखिएगा। ठीक, 8 दूनी 16 17, तो 17 वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहां पर 1.5। ठीक, इसके बाद यहां पर क्या आता है O2 2 माइनस, तो यहां कितना है 8 दूनी 16 और 2 18, चार्ज भी हम लोग ऐड करते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर 8 दूनी 16 2 नेगेटिव चार्ज ऐड 18 हो गए, तो 18 वाले बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 1। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या आएगा 2.5, यानी O2 प्लस, O2 प्लस फिर क्या आ जाएगा O2, फिर क्या आ जाएगा O2 माइनस, फिर यहां पर क्या आ जाएगा O2 2 माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का एक ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है कि बॉन्ड ऑर्डर इस क्रम में होता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आते हैं आपके एप्लीकेशन से, हर एक टॉपिक एक एप्लीकेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर एप्लीकेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, तो आप इसको नोट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एप्लीकेशन के बारे में। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हिंदी हम लोग बोलते हैं बंद कोटि के अनुप्रयोग। देखिए इसमें क्या है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, अगर किसी का मैंने बता दिया था यहाँ पर पहला पॉइंट ये है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिया हीलियम टू, ठीक ये बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक, दूसरा यहाँ पर ये तरीका है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, वन है, थ्री है, तो वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक, कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक। जब मैंने YouTube शुरू किया था पहले हमने ऐसे वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन वो किसी कारणवश बाधा उत्पन्न हुई थी उस वीडियो में, आवाज नहीं ठीक ठाक आ रही थी। ठीक है, शुरू शुरू के वीडियो हमारे काफी ठीक नहीं थे, शुरुआती दौर था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वीडियो कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको धीरे धीरे हटा दिया है, तो मैं नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अच्छे अच्छे। ठीक है, कुछ और टॉपिक लेकर के। तो यहाँ पर अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, वन है, थ्री है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अब देखिए क्वेश्चन कुछ यहां से पूछे जाते हैं, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर टू है या फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक मतलब जैसे किसी का 2.5 है, 1.5 है, तो डिफ्रैक्शनल हो गया। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक, कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पूछेगा O2 कैसा है, डाया है कि पैरा है, तो 8 दोनी 16, 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, तो 2 वाला बॉन्ड ऑर्डर होगा कैसा हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। अब देखिए ऐसे यहां पूछा जाएगा, मान लिया दिया हुआ सीएन वन नेगेटिव, बताइए पैरा है कि डाया है, तो आप निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर, सबसे आसान कार्बन का 6 इसका 7, 7 और 1 8, तो 6 ये 6 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 1, तो 8 से कितना हो गया इसके 14, तो 14 वाले बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 वो कैसा होगा डायमैग्नेटिक।
ठीक, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस टाइप पूछे जाते हैं। जो एप्लीकेशन आप लेंगे लिखेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर्स कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक, ये 100% गारंटी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जरूर आप लगाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो जरूर बताइए कि वो वाला क्वेश्चन जो है क्या तरीका उसमें है, तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। कई तरीके होते हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है, ये बहुत प्रॉब्लम है। ठीक, अगला पॉइंट ये है यहाँ पर, अगर कोई आयसो इलेक्ट्रॉनिक है, फॉर आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आयसो मतलब होता है समान इलेक्ट्रॉन, आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, यानी आयसो इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मान लो CH4 अमोनिया H2O, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, सबका इक्वल होगा, चूंकि ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन सेम है, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 2 और 8 10, तो इलेक्ट्रॉन सब में 10 10 है, तो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। तो आयसो इलेक्ट्रॉन के स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ठीक, आपने उतार लिया, इतना लिख लिया। चलिए अब बताते हैं हम लोग अगला इसमें एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन आप देखिए। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो इसमें, आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, कोई भी स्टेट पीएमटी का, अगर यूपी के हैं तो आपका पहले आती थी यूपी सीपीएमटी की बुक, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखा, छोटे छोटे यूनिवर्सल भी है। कई बच्चे कमेंट करते हैं कौन सा बुक पढ़ा जाए, कोई भी बुक हो जिसमें हमारे टॉपिक क्वेश्चन दिए हों, बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग के हर एक टॉपिक को, आयोडाइजेशन का हो, आयोडोन बॉन्डिंग का हो, एमओटी है, वैसे पर है, अगर क्वेश्चन दिए हैं आप क्वेश्चन को उठा के ये देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पूछने का ढंग क्या है, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है, किस हेडिंग से, वहां पर और कौन क्वेश्चन छुपा हुआ है, आप उसी को पकड़ के नोट्स में जोड़ते रहिएगा, आराम सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया था आयसो इलेक्ट्रॉन के लिए समान होता है। अब लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ये क्वेश्चन बहुत आता है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उसकी बंधन ऊर्जा उतनी ज्यादा होती है, मतलब ये क्या लिखा हुआ, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब होता है अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बंधन ऊर्जा कम होगी, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं बंधन ऊर्जा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंध का स्थायित्व, अभी आया था ये बीच में 2019 क्वेश्चन की बॉन्ड का स्टेबिलिटी कितनी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, O2+, O2, O2-, O2 में कौन ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका क्रम लोग ऐसे बना सकते हैं O2+, O2, फिर यहां पर है O2-, फिर यहां लिख सकते हैं O2-2-, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर हम क्या लिखे हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 8, 2, 16, 1, 15, तो जिसका इलेक्ट्रॉन 15 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1.5, यहाँ आएगा 1, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर इसमें पूछता है बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी तो 100% इसी की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है, यानी बंध कोण ज्यादा होता है, एक उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ, केवल यही वाला बॉन्ड लेंथ, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बंध लंबाई, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो उसकी बंध लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ वो कम होती है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन हो गए हैं इतने। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बंधन शक्ति ज्यादा होती है, तो ये हमारे एप्लीकेशन हो गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर पर चीजें डिपेंड है। अब सपोज बात करते हैं हम लोग, अगर बॉन्ड ऑर्डर 20 तक है, 20 तक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर सपोज 20 से ऊपर है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका तरीका देखिए क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग उतार लिए, आप लोग उतार लिए होंगे, इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर का नंबर जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 से ऊपर है, इफ
इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबव द 20, 20 से इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यानी व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20 से ऊपर, ठीक है, अबव 20 यानी 20 से अधिक है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर और डिवाइड बाई टोटल जो ऑक्सीजन एटम है या जो भी आपका सराउंडिंग एटम है उसका डिवाइड करते हैं। मान लिया यहां अभी आया था CO2, इलेक्ट्रॉन देखेंगे 6, 8, 2, 16, 6, 22, अगर 20 तक होगा तो वो अल्फा वाला लगाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखेंगे 6 और 8, 2, 16 तो इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 22, 20 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कितने हो जाएंगे 4, बताए टोटल एटम 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक, देखिए SO2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहां पर 8, 16 है, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 8, 2, 16, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 32 है, तो क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के ग्रुप नंबर 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या देखिए ग्रुप नंबर इक्वल टू होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो या तो ग्रुप नंबर इसका याद कर लो या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन याद कर लो, तो 6 by 2 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। SO3 6/3 तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। अब कुछ लोग सोचेंगे यहां पर ऑक्सीजन एटम है हमने डिवाइड कर दिया, अगर मान लो सपोज ऑक्सीजन ना होता तो जो भी आपका नेबरिंग एटम होगा, जैसे मैं बात करूं CH4 आप देखिएगा निकलेगा 100%, इसका क्या होगा 4/4 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर आप फंस जाएंगे ऐसे केस में, मान लो हम लोग बात करें अमोनिया का, देखना अब आप कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, अब इसका कितना नंबर है 5, 5/3 इसमें नहीं लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरीका वही है ना, अगर इलेक्ट्रॉन 20 तक है तो हम लोग उसी फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन अगर 20 से ऊपर हो रहा है, देखिए तरीका है, अगर आप किताबी भाषा में जाएंगे तो आप झगड़ते रह जाएं, क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे केस नहीं काम आएगा, तो हम लोग ध्यान रखेंगे ऐसे केस के हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर कोई सपोज आयन केस दिया जाता, अगर कोई आयन केस होता तो हम लोग क्या करते हैं, आयन केस होता है तो वहां पर नंबर ऑफ एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उससे निकालते हैं, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना नहीं पाएंगे इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन आता भी नहीं है। मान लीजिए सपोज यहाँ पर दिया हुआ CLO4, यहाँ दिया हुआ CLO3, यहाँ दिया हुआ PLO, ये है 1-1, PO4 3-, ठीक है, ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका ग्रुप नंबर 7 कैलकुलेट करो 4 जो भी आएगा बॉन्ड ऑर्डर, इसको यहां पर कितना है 7, इसका कैलकुलेट करो 3 जो भी आएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहां कितना है नंबर 5 यानी 5/4 जो भी आएगा बॉन्ड ऑर्डर, समझ जाएंगे ना। तो ये था हमारा जो है बॉन्ड ऑर्डर का वीडियो, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने बता दी किस तरीके से पूछा जाता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक है, और इसके बाद में इसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको बता दिया, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें N2 एक आता है N2+ और एक आता है N2-, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा यहाँ पर और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेकिन बट उसके जो जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे सभी ज्यादा होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर का टॉपिक हो गया कंप्लीट, आगे हम लोग आपसे मिलते हैं इसी में वैसे पर थ्योरी या और बॉन्ड पैरामीटर्स भी बचे हुए हैं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी टॉपिक के बारे में, ठीक है, या डायपोल मोमेंट जो भी आपको पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है केमिकल बॉन्डिंग में, हम जितना टॉपिक पढ़ाएंगे आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर एक बना के दे देंगे, ठीक है, तब तक इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।